हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। एकदम फ्रेश टॉपिक है ये, लाइफ प्रोसेसेस। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ जो वर्ड है ये क्या होता है? लाइफ मतलब होता है जीवन या जीवित होना, किसी का जिंदा होना, किसी का दैट मीन्स अलाइव होना। और ये अलाइव क्या होता है? ये अलाइव तब होगा जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और उसकी मूवमेंट्स को नोटिस करेंगे। दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने उसमें उसकी मूवमेंट्स को देखा है। ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये तेज़ भी हो सकती हैं एंड ये स्लो प्रोसेस में भी हो सकती हैं। अगर ये मूवमेंट्स हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ये ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जैसे एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट मूवमेंट होती है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड जो प्लांट्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रादर दे कैन मूव द बॉडी पार्ट्स और द सब्सटेंसेस जो वो क्रिएट करते हैं अपने अंदर, प्रोड्यूस करते हैं अंदर, वो जो होते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पढ़ते हैं वो यही है कि लाइफ कैसे होती है और कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग करती है और कैसे वो नॉन लिविंग को करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग की। अगर हम किसी इंसान को लिविंग कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब है उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है। जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, अपने रूट से अटैच रहते हैं एंड वो अपने अंदर जो सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं, अपना जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं, उसको भी एक तरीके की मूवमेंट ही कहा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं। देन उसके बाद नॉन लिविंग्स जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस क्रिएट नहीं होता है एंड कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। हम अगर किसी को लिविंग कह रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की जिस पे लाइफ बेस्ड है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनिजम्स की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड वो किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। सबसे पहले बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। मतलब कि जो ये लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन मूव बाय देमसेल्फ। ये अपने आप से मूव कर सकती हैं अपने हाथ पैरों की मदद से, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स का हेल्प लेते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो कर पाते हैं। सेकंड है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको फूड चाहिए रहता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। फूड, एयर एंड वाटर फॉर सर्वाइवल। थर्ड पॉइंट है दैट लिविंग थिंग्स जो होते हैं अपने आप की ग्रोथ शो कर सकते हैं। सो मैं यहां लिख देती हूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स shows growth।
पॉइंट्स, फोर्थ है लिविंग थिंग कैन रिस्पोंड टू चेंज अराउंड देम, दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी चेंजेस को भी शो कर सकते हैं, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन रिस्पोंड, ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये रिस्पोंड कर सकते हैं अपने चेंजेस को, टू चेंजेस अराउंड देम, इसीलिए इनको सेंसिटिव कंसीडर किया जाता है, दे आर सेंसिटिव. देन नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग कैन रिस्पायर, दैट मीन्स रिस्पायर का मतलब होता है दे कैन रिलीज एनर्जी, जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया है, जो एयर और वाटर उन्होंने कंज्यूम किया है वो एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है एंड उसके द्वारा वो अपने बॉडी से एनर्जी को भी रिलीज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूँ, दैट लिविंग थिंग्स respire, that means release energy from food. And the sixth point is living things जो होते हैं वो excrete कर सकते हैं, मतलब कि जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया है उसका डाइजेशन होने के बाद पूरा फूड जब कंज्यूम कर लेते हैं वो, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो उसको पुश आउट कर देते हैं हमारी बॉडी से बाहर. तो लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, पुश वेस्ट मटीरियल आउटसाइड द बॉडी. एंड द लास्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स can reproduce. आपने ये अपने chapters में पढ़ा होगा that living things male or female reproduce कर सकते हैं and they can have their young ones. They can have young ones. So ये थे 7 characteristics जिसके अकॉर्डिंगली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ को, वो अपने डिफरेंट जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं ग्रोथ के, उसको शो करते हैं. तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो लोकोमोशन कर सकते हैं. लोकोमोशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना या जाना, और मूवमेंट मींस एक प्लेस पे खड़े होकर के अपने मूवमेंट्स करना. जैसे कि मैं अभी एक प्लेस पे खड़े होकर के अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, दैट मींस ये मेरी मूवमेंट है. एंड अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रही हूँ जस्ट लाइक दिस, दैट मींस मैंने लोकोमोशन किया है. सो द सेकेंड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, एयर एंड वाटर फॉर द सर्वाइवल, दैट मीन्स उन्हें खाना, हवा और पानी, ये तीनों चीज़ें चाहिए रहती है फॉर द सर्वाइवल, बॉडी के लिए, सोसाइटी में नहीं बॉडी के लिए अगर हम बात करते हैं तो फूड, एयर और वाटर इज द एसेंशियल्स. एंड अगर हम वैसे बात करें तो फूड और कपड़ा और मकान ये तो ज़रूरी होता ही है. So the third one is the living organism shows growth. That means living organism जो होते हैं वो different तरीके से growth कर सकते हैं, जैसे कि body में growth होती है, height में growth होती है और उनके different parts में भी growth होती है.
Then the fourth point is living organisms or living things can respond to changes around them. That means जो भी changes हमारे around या हमारे आसपास हो रहे हैं उसके accordingly हम लोग भी respond कर सकते हैं. Then the next point is living things respire. हम लोग जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसकी एनर्जी जो हमारी बॉडी में बनती है और उसके वजह से हम जो भी फूड की एनर्जी होती है उसको बाहर निकाल सकते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मतलब होता है टू पुश आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी. जो हम लोग अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए रहता है वो हम पुश आउट कर देते हैं एक्सक्रीटा फॉर्म में. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस जिसकी वजह से जो जनरेशन होती हैं वो चल सकती हैं. सो ये थे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बाद उनके कुछ बेसिक फंक्शंस आते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको अपनी लाइफ मेंटेन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अगर वो इस अर्थ पे अपनी लाइफ जो है वो मेंटेन करते हैं तो उस मेंटेनेंस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है न्यूट्रिशन का. हमें न्यूट्रिशन सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए. फिर होता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन भी करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. देन ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी होता है. ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी होता है. फिर उसके बाद इनके बाद आता है कि किस तरीके से मूवमेंट और ग्रोथ शो होती है हमारी बॉडी में. सो यहाँ पे ग्रोथ एंड मूवमेंट की भी हम बात कर लेते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन भी जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन ग्रोथ या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको अडेप्ट कर पाएँ. और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं जो भी वेरियस फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएँ. जो फूड होता है लाइफ प्रोसेसेस में फूड जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसी भी अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो फूड जो होता है वो हर तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को मदद करता है. ये जो फूड होता है दिस फूड हेल्प्स इन मेनी वेज. एंड ये वेज क्या होते हैं? ये होते हैं कि अगर फूड होगा, अगर फूड एक ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी फॉर ग्रोथ. और जब फूड वो कंज्यूम करेगा तो ये जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं ये उसमें इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्शन. एक्सेप्ट फॉर रिप्रोडक्शन फूड हर तरीके से हर पार्ट को प्ले करता है. ओके सो जो एनर्जी होती है फूड से हमको मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स. एंड फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन ग्रोथ एंड मूवमेंट का. सो ये था पूरा एक टॉपिक जिसमें मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई लिविंग थिंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद अब हम लोग 3 डेफिनेशन जो मेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ लेते हैं. तो वो मेन डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं, एक है न्यूट्रिशन की, दूसरी है रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज़ दी एक्सक्रीशन. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो ये है द प्रोसेस ऑफ इनटेक
जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसे हम जो भी यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर जिस फूड को हम लेते हैं कंज्यूम करते हैं, वो फूड किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो सबसे पहले हमने लिखा द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय ऑर्गेनिज्म उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। देन उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है वो भी इतना ही इजी होता है, तो हम लिख लेते हैं उसको। सेकेंड इज दी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमने फूड कंज्यूम किया, दैट मीन न्यूट्रिशन जब हमने फूड से ले लिया, उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी लिबरेट हुई फूड के कंज्यूम करने से ही, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो द लिबरेशन ऑफ दी एनर्जी, जो एनर्जी आई उस फूड को इनटेक करने से, फ्रॉम दी फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देन थर्ड इज दी एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है? देन नेक्स्ट इज दी एक्सक्रीशन जो होता है वो हमने जो डाइजेस्ट किया फूड, उसके बाद जो एनर्जी मिल गई हमें, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है हमारी बॉडी में, वो बॉडी थ्रू आउट कर देती है, पुश कर देती है आउटसाइड द बॉडी, एंड उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी द डाइजेस्टेड फूड या द डाइजेस्टेड फूड को हम लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड, जो कि हमने दूसरे मटेरियल्स के साथ इंटेक किया था, उसको द डाइजेस्टेड फूड एंड द मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये तीन डेफिनेशन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये डेफिनेशंस जो होती हैं ये आपकी थ्रू आउट पूरे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेन न्यूट्रिशन, जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। तो ये न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेसिकली हम फूड कंज्यूम करते हैं। जो फूड होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो मेनली होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है, एंड जो ये ग्लूकोज है ये सिंपलेस्ट फूड कहलाता है। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, एंड कॉम्प्लेक्स फूड भी होता है। कॉम्प्लेक्स फूड को हम कहते हैं स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। सो जो ग्लूकोज होता है वो सिंपलेस्ट फूड होता है,
और उसे हम ये शुगर भी कहलाता है। ये जो होता है ये बेसिकली एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, जिसे हम फूड का नाम भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बनता है, एंड ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म भी होते हैं। सो ये दोनों जो हैं इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो मेनली होता है वो एक कार्बन का मिक्सचर होता है। सो बेसिकली अगर हम लें कार्बन को सबसे पहले लें, तो कार्बन से ही हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और उस कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलेगा स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज मिलेगा, और फिर ग्लूकोज से हमें मिलेगा स्टार्च। ये एक पूरी टेबल की तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगी। एंड इन सारे फूड के साथ साथ हमें फैट्स एंड प्रोटीन भी मिलता है, जो कि एक दूसरा फॉर्म होता है फूड का। सो बेसिकली ये जितने भी फूड्स होते हैं, लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हमारे न्यूट्रिशन, ये जो वर्ड है, टर्म है न्यूट्रिशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इससे इनकी डेफिनेशन बनती है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, मतलब कि जो प्रोसेस होता है खाना खाने का और उसको हमारी बॉडी को यूज करने का, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये न्यूट्रिशन का कुछ प्रोसेस होता है, एंड ये न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, बिकॉज फॉर दी डेवलपमेंट एंड दी ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, दैट मीन्स हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स उसके अंदर हमें ना कार्बन मिलेगा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ग्लूकोज, ना स्टार्च, ना फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट्स, कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी। सो ये जो कंज्यूमिंग फूड था, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द फूड और द टेकिंग इन द फूड इज बेसिकली नोन एज द न्यूट्रिशन। एंड इसमें हम सबसे ज्यादा जब खाना खाते हैं तो हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और वो एनर्जी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हमारी मदद करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब होता है जो हम हमेशा आमतौर पे करते रहते हैं, जो जितने भी मूवमेंट्स और जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो करने में हमारी न्यूट्रिशन, दो जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, वो हमें हेल्प करता है सबसे ज़्यादा। एंड एक्चुअली द टर्म, दिस न्यूट्रिशन टर्म इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट टर्म जो होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होता है, और इस न्यूट्रिएंट टर्म से ही ये जो न्यूट्रिशन टर्म है ये डिफाइन होता है। ये न्यूट्रिएंट टर्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। ये जो न्यूट्रिएंट टर्म है ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। एंड इसमें अगर हम ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है बिकॉज फॉर द मेंटेनेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स वी नीड सम न्यूट्रिशन टू ग्रो और टू डेवलप। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ डे टू डे लाइफ।
देन हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की, कि न्यूट्रिएंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो वो सराउंडिंग में कंज्यूम करेगा एंड उसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा, दैट मीन्स जब वो डाइजेस्ट कर लेगा फूड तो उसकी जो एनर्जी लिबरेट होगी वो लिबरेट होगी, देन उसके बाद उसके वेस्ट मटेरियल निकलेगा। और जो वेस्ट एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर वेस्ट मटेरियल निकलता है जैसे काऊ, काउडंग हम बनाते हैं तो वो बहुत ही बायो सिंथेसिस के काम आता है, बायो सिंथेसिस जो होता है दैट मीन्स कि हीट एनर्जी भी हमें उससे मिलती है। सो यहाँ पे ये जो न्यूट्रिएंट है ये बहुत ही आगे तक रोल प्ले करते हैं, फ्रॉम टेकिंग इन द फूड टू पुशिंग आउट द फूड आउटसाइड द बॉडी, ये हमारा बहुत ही ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। देन अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात करें तो ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स का ही एक पार्ट है जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें हम कंज्यूम करते हैं। बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की होती है फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये आपको आई गेस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, जो आपने हर क्लास में, आई थिंक लास्ट क्लास में भी आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं और उनसे क्या क्या प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो होता है वो हमें हेल्प करता है और कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो ऑर्गेनिज़म्स को हेल्प करते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स पाने में। सो बेसिकली जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, हर टाइप के ऑर्गेनिज़म खुद एक तरीके का न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक टाइप का नहीं कंज्यूम करते हैं, वो जो होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन पे ही बेस्ड रहते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेती हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मींस होता है सेल्फ, मतलब कि खुद, जो ऑर्गेनिजम्स खुद, और ट्रॉफ मींस होता है न्यूट्रिशन। सो बेसिकली इसकी समरी ये है कि जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाने को कंज्यूम करते हैं, उन्हें सिंथेसाइज करते हैं, दैट मीन्स सिंथेसाइज मीन्स टू ब्रेक डाउन देयर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं ये अपने फूड को सिंपल, ये अपने खाने को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ट्रांसफर कर लेते हैं, मटीरियल्स में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, दैट मीन्स वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में क्या क्या होता है, जैसे सनलाइट। सो बेसिकली सनलाइट एनर्जी जो होती है, ये जो सनलाइट है इसे एक एनर्जी का ही फॉर्म बोला गया है, तो ये जो सनलाइट है इस एनर्जी के रहते हुए सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को
ऑर्गेनिक दैट मीन्स सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो मेन होते हैं। द ग्रीन प्लांट, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरियाज भी आते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरियाज का भी हम बात करते हैं, वो भी इसी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली अपने फूड को कंज्यूम करते हैं। और इस पूरे टॉपिक को हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला है। ना अगर हमने यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स की बात करी है तो ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक रिएक्शन करता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कहते हैं। दैट मींस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 6CO2 एंड 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स अप 6C6H12O6 एंड 6O2। बेसिकली एंड 6H2O। सो यहाँ पे ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कहते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स से। सनलाइट और क्लोरोफिल वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और वो बनाते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन, जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है वो बाहर इवोल्यूट होता है। सो ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती है एंड बोर्ड्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर आपने ये इक्वेशन लिखी है तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है तो ये इक्वेशन आपको नंबर दिला सकती है। फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको पढ़ते हैं, क्या होता है वो। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हेटरोट्रॉफिक जो सेकंड पॉइंट है इसका, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या होता है। सो बेसिकली हेटरोट्रॉफिक मीन्स होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से अपना खाना कंज्यूम करते हों, अपना फूड कंज्यूम करते हों, उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हेटरो मीन्स होता है, हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, और ट्रॉफी मीन्स सेम होता है न्यूट्रिशन। सो बेसिकली यहां पे मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते थे, पर हेटरोट्रॉफिक में अपना खाना ये ऑर्गेनिजम्स नहीं बना पाते हैं। सो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने फूड के लिए। सो यहाँ पे अगर हम लिखें कि दी ऑर्गेनिजम्स cannot make their own food from the inorganic, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिस तरीके से प्लांट्स बना लेते हैं रॉ मटेरियल से खाना, रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O, जिस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना खाना बना लेते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट depends on the other animals. या ऑर्गेनिज्म स्लैश ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हमेशा एनिमल ईटिंग नहीं होते हैं, वो प्लांट ईटिंग भी होते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे लिखा दैट ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो इसके बाद मैं अगर लिखूँ दैट ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, दैट मीन्स अपने खाने को खुद नहीं बना पाता है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मटेरियल को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है एंड डिपेंड होता है अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, तो वो इंक्लूड किया जाएगा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाइज भी होते हैं वो भी इसमें होते हैं जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट मीन्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जैसे कि इसमें बैक्टीरिया में अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया और फंजाई में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं खाना। तो ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट मीन्स क्लोरोफिल जब नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस पूरी थ्योरी से हमारे को तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म नए मिलते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पार्ट लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रो
फाइटिक न्यूट्रिशन। देन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड द थर्ड वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स और थ्री वेज ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन हेटरोट्रॉफिक और अ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन देयर फूड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, देन उसके बाद हम आएंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड देन उसके बाद हम आएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है कि कितने वेज होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देर आर थ्री वेज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन देयर फूड। द फर्स्ट वन इज द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी रॉटन चीज से, रॉटन मीन्स जो सड़ जाती है या डेड और डीकेइंग मैटर से अपना फूड कंज्यूम करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जिस मोड में वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है उस खाने से, उसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ उसकी, कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये ऐसा न्यूट्रिशन है, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains the food from the dead and decaying matter। ऑर्गेनिज्म को या डेड मैटर को, उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो डेड और डीकेइंग मैटर है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स ये भी हो सकते हैं, रॉटन ब्रेड भी हो सकती है, जो फूड हम किचन से निकालते हैं, जो फूड वेस्ट हो जाता है या फिर जो फूड खराब हो जाता है उनको हम किचन से जब निकालते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि रॉटन ब्रेड, जो मोल्ड लगी ब्रेड्स होती हैं, वो ऐसे फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं, ऐसे मैटर को कंज्यूम करते हैं जो ऑलरेडी डेड एंड डीकेइंग मैटर बन चुके हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं इस कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सो यहाँ पे हाउसहोल्ड वेस्ट में भी, जैसे रॉटन ब्रेड्स आ जाती हैं, वेजिटेबल पील्स आ जाती हैं, ये सारी जो भी डेड और डीकेइंग मैटर होता है, ये सारे जितने भी मैटर्स होते हैं उस पे सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होता है वो इन्हीं डेड प्लांट्स और डीकेइंग मैटर एनिमल बॉडीज से कंपोज करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, एंड इसी को डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी कहा जाता है।
जैसे कि फंजाई होती है जो ब्रेड मोल्ड्स में, जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, या मशरूम, ईस्ट होती है, और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो उनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डीकेइंग मैटर पे लाए करते हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई में जैसे कि मशरूम या फिर मशरूम्स के बाद आ जाता है ब्रेड मोल्ड। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई के, ये डेड और डीकेइंग होते हैं, डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे लाए करते हैं, एंड इन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। सो ये सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन जो है, जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और उसके बाद जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड दी सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं हम देख लेते हैं। पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ इसकी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे न्यूट्रिशन जिनमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक बॉडी में ही रहते हैं, एक बॉडी में ही रहते हैं, और उस बॉडी को अपना घर बना करके उस बॉडी से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होस्ट, उनको हम होस्ट कहते हैं। ये होस्ट क्या करते हैं? ये विदाउट किलिंग, ये कोई भी हम ज्यादा वो नहीं करते, विदाउट किलिंग इट ये क्या करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में? ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जिनकी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एज अ होस्ट रहता है, और उस बॉडी को विदाउट किलिंग इट बस उससे खाना कंज्यूम करता है, जस्ट लाइक अ पैरासाइट। पैरासाइट की तरह ही ये अपना खाना कंज्यूम करता है एक होस्ट बन करके, और वो होस्ट जो होता है इट कैन बी दी प्लांट और दी एनिमल जिसपे ये जो होते हैं अपना खाना फीड कर सकते हैं, और ये हमेशा दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे ही लाई डाउन करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये देखा गया है फंजाई में और बैक्टीरिया में भी देखा गया है। ये प्लांट्स और बैक्टीरियाज में जब देखा गया है,
उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लांट में है कस्क्यूटा, और एनिमल्स में जैसे प्लास्मोडियम है, टेप वर्म है या राउंड वर्म है, या टिक्स जो जिसे हम जू कहते हैं जो बालों में पड़ जाती हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उसके बाद वो फूड कंज्यूम करते हैं और उसी से एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राउंड वर्म है, टेप वर्म है, लीचर्स है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो रिलाय करते हैं सिर्फ सॉलिड फूड मटेरियल्स पे। जो सॉलिड फूड मटेरियल्स वो कौन से होते हैं, वो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे ये होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लाई डाउन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख लेती हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें मतलब होता है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं सॉलिड फूड पे, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। जिसमें मे बी प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, दोनों आते हैं। और इस न्यूट्रिशन में मोस्टली एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो खाना हम कंज्यूम करते हैं इन डाइजेशन के थ्रू, वो खाना जब हमारी बॉडी में जाता है एंड वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा और जो भी एनर्जी हमने कंज्यूम करी उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा हमारी बॉडी में, वो एक वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से पुश आउट होता है। जब वो बॉडी से बाहर आ गया तो वो एक वेस्ट मटेरियल पे डिफरेंट होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो आ जाएंगे और उसमें से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन कंज्यूम करने वाले एनिमल सॉरी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपना खाना उससे कंज्यूम करेंगे। हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में या हमारी बॉडी में जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो किसी ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में ट्रांसफ़र कर देता है। वो डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब करता है सारे हमारी बॉडी में सारे मिनरल्स और सारे जितने भी विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद अब्सॉर्प्शन के बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है हमारी बॉडी में वो पुश आउट करने के बाद जो उस पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमीबा है, फिश, फ्रॉग, मैन, कैट, डॉग, कैटल, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दे रही हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका मैन, कैट, डॉग एंड कैटल, डियर, देन हॉर्स मे बी, and then different organisms like bear and giraffe. So there are basically many animals जिनमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो भी indigested foods होते हैं वो absorb करते हैं न्यूट्रिशन और उससे होलोजोइक न्यूट्रिशन complete होता है। I hope आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करे आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच।